स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हार्ट पिपलिया की खबरों की ओर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अदलावदा में वन विभाग द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बच्चों में वन एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता लाने हेतु प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 60 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें प्रियंका पिता रमेश पाटीदार प्रथम, हर्षिता शर्मा द्वितीय एवं सोनिया यादव तृतीय स्थान पर रही। वन विभाग द्वारा तीनों विजेताओं को पुरस्कृत किया एवं 5 बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार दिया, साथ ही शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत अरलावदा के सरपंच एवं वन समिति अध्यक्ष लाखन सिंह थे। विशेष अतिथि कैलाश पाटीदार, गणेश पाटीदार, विद्यालय प्राचार्य राधेश्याम यादव एवं तुलसीराम जोबल थे। कार्यालय के अध्यक्ष डिप्टी रेंजर कैलाश सिंह मालवीय ने की। कार्यक्रम के पश्चात वन एवं वन्य प्राणी के प्रति जागरूकता लाने हेतु रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नरेंद्र पाटीदार, पूर्व सरपंच बने सिंह रावत, बाबूलाल यादव, बने सिंह राजपूत, शिक्षक शुभम शर्मा, शिक्षिका शीला राठौर, वन विभाग के बंटी सारवरिया, हिम्मत सिंह, गोपाल राजपूत, श्रद्धा मिस्त्री, धर्मेंद्र गोस्वामी, राहुल मालवीय आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ग्राम वन समिति उपाध्यक्ष हुकुम सिंह चौहान द्वारा किया गया एवं वन रक्षक अरलावदा सुनील रावत ने आभार व्यक्त किया। प्रति वर्ष अनुसार इस बार भी वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह आयोजित किया जाता है और आम जनता में और बच्चों में जागरूकता फैले वन और वनों के वन्य प्राणियों के प्रति। इसी तारतम्य में कल हमने अरलावदा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ निबंध प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताएँ करवाई गई, जिसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए थे उनको हमने पुरस्कार भी दिए और सांत्वना पुरस्कार भी 5 बच्चों के दिए। साथ ही हमने शिक्षकों का सम्मान भी किया। गांव में हमारी वन समिति है, वहां पे वन समिति और बच्चों के साथ में रैली का आयोजन भी किया गया।